बहुत से लोगों को अपने टैटू से बहुत प्यार होता है और वे उसे प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही लेजर हेयर रिमूवल भी करवाना चाहते हैं। लेजर से टैटू को नुकसान हो सकता है, तो क्या किया जाए? आइए जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनाली शाह, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट एट क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी क्लिनिक पुणे। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के जवाब देने जा रही हूँ, जो हमें हमारे एक रेगुलर व्यूअर ने पूछा है कि अगर आपकी स्किन पर टैटू है तो क्या आप लेजर हेयर रिमूवल करवा सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो टैटू को रखना चाहते हैं लेकिन साथ साथ अपनी स्किन के हेयर को परमानेंटली रिमूव करना चाहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लेजर हेयर रिमूवल कैसे किया जाता है। इस टेक्निक में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट बीम यानी लेजर को हेयर फॉलिकल्स पर टारगेट किया जाता है। यह लेजर एनर्जी पिगमेंट यानी मेलानिन के द्वारा एब्सॉर्ब हो जाती है, जो कि हेयर में होती है। लाइट एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है और हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करती है, जिससे फ्यूचर में हेयर ग्रोथ कम हो सकती है। लेकिन यही टेक्निक टैटू स्किन के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकती है। टैटूज में भी पिगमेंट होते हैं और जब लेजर इन पिगमेंट्स को टारगेट करता है तो ये टैटू इंक के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अब देखते हैं, हाउ इज लेजर हार्मफुल टू टैटूज। टैटू इंक्स में अलग अलग कलर होते हैं और हर कलर की लाइट को एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग होती है। जैसे ब्लैक इंक सबसे ज्यादा लाइट एब्सॉर्ब करती है, जबकि लाइटर कलर्स जैसे येलो या व्हाइट कम एब्सॉर्ब करते हैं। इस वजह से लेजर का इम्पैक्ट टैटू के कलर पर डिपेंड करता है। डार्कर टैटूज पर लेजर ट्रीटमेंट के दौरान कॉम्प्लिकेशंस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब देखते हैं, शुड यू गेट लेजर हेयर रिमूवल ऑन टैटूड स्किन। टैटूड एरिया पर लेजर हेयर रिमूवल करना जनरली रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि इससे टैटू फेड हो सकता है या कुछ केसेस में टैटू के सराउंडिंग स्किन में ब्लिस्टरिंग आ सकती है, डैमेज हो सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर आपके पास टैटू है तो क्या करना चाहिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगर आपकी स्किन पर टैटू है और आप लेजर हेयर रिमूवल करवाना चाहते हैं तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर इन्फॉर्म करें। ये उन्हें प्लानिंग में मदद करेगा ताकि ट्रीटमेंट सेफ और इफेक्टिव हो, लेजर के पैरामीटर सही तरह से चूज कर सकते हैं। टैटू स्किन के हेयर रिमूवल सेशंस थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं और कंपेयर टू नॉन टैटू स्किन, और लेजर पैरामीटर्स भी अलग हो सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट जनरली आपके टैटू एरिया को अवॉइड करते हैं, उसके आसपास के स्किन पर ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका मतलब आपका टैटू एरिया अनट्रीटेड रह सकता है। कुछ स्पेसिफिक लेजर्स भी होते हैं जो टैटू रिमूवल के लिए स्पेसिफिकली यूज किए जाते हैं, लेकिन ये हेयर रिमूवल के लिए नहीं होते। इनका इस्तेमाल आपके टैटू को लाइटन या कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसलिए अगर आपके पास टैटू है और आप लेजर हेयर रिमूवल के लिए इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले एक एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको सही एडवाइस दे सकते हैं आपके स्किन टाइप, टैटू का पिगमेंटेशन, टैटू की प्लेसमेंट, उसके हिसाब से आपके लेजर के पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि सेफ्टी सबसे पहले आती है। गलत ट्रीटमेंट से आपको न सिर्फ टैटू डैमेज का रिस्क हो सकता है बल्कि स्किन के अदर इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर आप लेजर हेयर रिमूवल या किसी भी स्किन ट्रीटमेंट के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी क्लिनिक्स पुणे में। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस जरूर पोस्ट करें, कुछ डाउट हो तो हम जरूर सॉल्व करेंगे, उसके जवाब देने में हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद और स्टे सेफ।